गिरिराज सिंह अपने प्रधानमंत्री सहित मेरे आवास में रहे। और भाजपा के राज में बिहार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदू सबसे ज्यादा सुरक्षित कांग्रेस के सरकार में रहा है। भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार के ऊपर जोरदार हमला किया। गिरिराज सिंह ने बताया कि बेगूसराय में किस तरीके से एक विशेष धर्म यानी हिंदू धर्म के लोगों को प्रशासन के तरफ से सताया जा रहा है, वो सुरक्षित नहीं है और प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। नीतीश सरकार पर गिरिराज सिंह का गुस्सा जिस तरीके से सामने आया उसके बाद से बिहार में एनडीए की जो सरकार चल रही है उस पर सवाल उठने लगा। अब विपक्ष के भी तेवर तल्ख हो गए हैं। विपक्ष ने कहा कि जब गिरिराज सिंह खुद बीजेपी के सांसद हैं बेगूसराय से और मोदी सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री होने के बाद वो अपनी पीड़ा अगर बयां कर रहे हैं तो यह साफ हो गया कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू सरकार के अंदर हिंदू सुरक्षित नहीं है। हालांकि गिरिराज सिंह के ट्वीट ने बिहार की सियासत को गर्मा के रख दिया है। बिहार का जो पारा है सियासत का वो आसमान पे जाते हुए दिख रहा है। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के सामने खड़े हैं लेकिन गिरिराज सिंह ने अपने ही सरकार पर सवाल उठाकर विपक्ष को मौका दे दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने गिरिराज सिंह के इस बयान पर सीधे तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गिरिराज सिंह ने तो जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों की पोल खोल के रख दी है। जेडीयू यानी नीतीश कुमार और भाजपा के उस 17 साल की सरकार की पोल खोल के रख दी है जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार तमाम दावे करते हैं। तो ये किस तरीके से गिरिराज सिंह के ऊपर राजेश राठौर ने तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने तो भाजपा की पोल खोल के रख दी है। उन्होंने कहा है कि 17 सालों के नीतीश कुमार और भाजपा की जोड़ी में बिहार में हिंदू सुरक्षित नहीं है, खासकर जहां गिरिराज सिंह सांसद हैं वहां तो और हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतीश और भाजपा के राज में बिहार में हिंदू सुरक्षित नहीं है और देश में वाजपेयी, आडवाणी और बीपी सिंह के सरकार में जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण और हिंदू सुरक्षित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि गिरिराज सिंह ने स्वीकारा कि हिंदू सबसे ज़्यादा सुरक्षित कांग्रेस के सरकार में रहा है। इसलिए गिरिराज सिंह को अब जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में हिंदू ही नहीं सर्व समाज के लोग सुरक्षित रहे हैं। वाजपेयी, बीपी सिंह और नीतीश कुमार, सुशील मोदी, तारकिशोर के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है और खासकर गिरिराज सिंह जहां से सांसद नहीं है वहां भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। अगर गिरिराज सिंह जी को भी डर लगता है तो गिरिराज सिंह अपने प्रधानमंत्री सहित मेरे आवास में रहे, वो सुरक्षित रहेंगे। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।